ओके, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपका अगर एसएलसी गुम हो गया है, जिसको स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट बोलते हैं, विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र आप नजदीक से देख सकते हैं, ये अगर आपका गुम हो जाता है, इन केस बहुत सारे बच्चे का कमेंट आता है मेरे पास कि सर मेरा एसएलसी गुम हो गया है, एसएलसी खराब हो गया है, गल गया है, फट गया है, ये वो, मतलब कि किसी भी कारणवश आपका एसएलसी जो एक बार स्कूल की तरफ से मिलता है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पे साइन है और स्टैम्प है, तो ये जब एक बार मिल जाता है उसके बाद अगर गुम होता है तो क्या इसको दोबारा हम ले सकते हैं स्कूल से या फिर नहीं? बहुत सारे बच्चे ने मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज किया है, वीडियो में भी कमेंट आया है और इंस्टाग्राम पे भी आप लोगों ने मैसेज किया है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि क्या एसएलसी दोबारा आप अपने उसी स्कूल से ले सकते हैं या फिर नहीं। बट उससे पहले हम आपको कुछ बातें हैं जो कि एसएलसी के रिगार्डिंग है, आप लोगों को बताना चाहेंगे कि दोस्तों देखिए, एसएलसी तभी बच्चों को दिया जाता है जब बच्चे क्लास 10th पास आउट हो जाते हैं किसी भी स्कूल विद्यालय से, ठीक है, कॉलेज से नहीं, स्कूल से। अगर कॉलेज से होते हैं पास आउट तो वहाँ पे सीएलसी मिलता है, और अगर आप स्कूल से होते हैं तो वहाँ पे 10th पास होने के बाद एसएलसी मिलता है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट तब मिलता है जब आप उस स्कूल से 10th पास आउट हो जाते हैं, मतलब मैट्रिक का एग्ज़ाम दे लेते हैं, मैट्रिक में आपने पास कर लिया, फर्स्ट सेकेंड या थर्ड डिवीजन से अगर आप पास हो गए तो वहां से आपको मार्कशीट और एसएलसी दोनों साथ में दिया जाता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे का होता है कि मार्कशीट तो मिल जाता है दोबारा, नेट से भी ले लिया जा सकता है, बट एसएलसी नहीं होता है। एसएलसी अगर आपका एक बार गुम हो गया या कुछ प्रॉब्लम हुआ उसके साथ, तो आपको कॉलेज या फिर स्कूल में ही कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा जहां से आपने स्टडी किया था और जहां से आपको मिला था। तो अब यहाँ पे बात आती है कि क्या एसएलसी आप दोबारा ले सकते हैं या फिर नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे हम आपको बता दें कि एसएलसी ले सकते हैं, बट उसके लिए आपको कुछ जो है स्टेप्स को फॉलो करने पड़ेंगे, आपको कुछ उसमें दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप एक बार में जाइएगा स्कूल में और बोलिएगा कि मुझे जो है एसएलसी चाहिए, मेरा एसएलसी गुम हो गया है, फट गया है, ये वो दिस डैट, तो नहीं मिलने वाला है। उसका कुछ प्रोसेस होता है, कुछ प्रक्रिया है जो कि आपको करना पड़ेगा और उसके बाद आपको मिल जाएगा। जैसे कि मैं बता दूं कि अगर आपका एसएलसी गुम हो गया है तो आपको करना क्या है, आपको उसी स्कूल में जहाँ से आपको एसएलसी मिला था उस स्कूल में आपका कोई अदर डॉक्यूमेंट होगा ना, एडमिट कार्ड, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, आईडी कार्ड या फिर मार्कशीट, कोई भी ऐसा प्रूफ जो कि ये साबित करता हो कि आपने उसी स्कूल से पढ़ाई किया है, ठीक है, वो आपका होना चाहिए आपके पास एक सबूत। और आपको करना क्या है कि एक एप्लीकेशन लिख के आपको प्रिंसिपल के ऑफिस तक पहुंचाना पड़ेगा। प्रिंसिपल सर से आप बात कीजिए जाके वहाँ, और उनको सारी बात बताइए कि कैसे क्या हुआ। एप्लीकेशन में सेम वही चीज़ आपको लिखना है, एप्लीकेशन जो लिखिएगा तो जो बात आपको बोलना है प्रिंसिपल सर को बताना है कि किस वजह से मेरा एसएलसी गुम हुआ या हरा गया, फट गया, कुछ भी, तो वही चीज़ आपको एप्लीकेशन में लिख के देना होगा, और वहाँ पे आपका सिग्नेचर होना चाहिए, वही सिग्नेचर जो आप अपने स्कूल में पहले किए थे। अगर वो सिग्नेचर मैच नहीं करेगा तो फिर वो जो आपने एप्लीकेशन भेजा है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे बताते हैं कि अगर आप सेम सही प्रोसेस कर लेते हैं, सारा एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर लेते हैं और वहाँ पे जाते हैं, जमा करते हैं, उसके बाद आपको प्रिंसिपल सर बात करना पड़ेगा जाके, और वहाँ पर उनको बताना पड़ेगा वही चीज़ जो आपने एप्लीकेशन में लिखा है और जो हुआ है आपके साथ, वो आप बताइए उनको, वो वेरीफाई करेंगे आपके सिग्नेचर के थ्रू, आपके फेस आईडी और भी जो डॉक्यूमेंट्स होगा आपको उसके थ्रू वो पहले वेरीफाई करेंगे कि ये बंदा जेन्यून है या फिर कोई और आ गया उसका एसएलसी लेने के लिए, ठीक है। तो जब वो फिर वेरीफाई हो जाएंगे तो वहाँ पे आपका जो है एसएलसी के लिए आवेदन स्वीकार कर लिया जाएगा दोबारा एसएलसी इशू करने के लिए। तो आप ऐसा नहीं है कि आपको आज एप्लीकेशन डाले और कल मिल जाएगा, ये भी नहीं है, इसमें थोड़ा समय देना पड़ेगा आपको, कम से कम उसमें 1 वीक का टाइम लग सकता है आपको, और ज़्यादा से ज़्यादा और भी ज़्यादा लगेगा, कम से कम 1 सप्ताह का समय आपको देना पड़ेगा, वो भी मैं अपने अनुभव के हिसाब से बता रहा हूँ। और जो अभी लॉकडाउन वगैरह चल रहा है इसमें अगर अभी कोई बच्चे जाते हैं तो अभी क्या होगा, कितने दिन का समय लिया जाएगा इसकी मुझे जानकारी नहीं है। अभी जो करंटली मुझे पता है तो उसमें आपको 1 सप्ताह देना पड़ेगा आपका जो है
सामने आ जाएगा क्या आपका एसएलसी मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। एसएलसी मिल जाता है, मैंने बहुत सारे बच्चों का जो है जिनका गुम हुआ था या फिर फट गया था या किसी भी वजह से उनके पास से ओरिजिनल एसएलसी चला गया था तो उनको मैंने दिलवाया है। सेम प्रोसेस जो मैंने आपको बताया वही करके, तो बस मुझे ये आप लोगों को बताना था। बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा था, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट क्वेरी है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। पर्सनल किसी क्वेरीज के लिए आप लोग प्लीज़ व्हाट्सएप नंबर पे कॉल मत कीजिए, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। और इंस्टाग्राम पे अगर आपको इंस्टेंट जवाब चाहिए जल्दी कि आपका क्या प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आपको मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना पड़ेगा और इंस्टाग्राम पे आप लोग मैसेज कीजिए। क्योंकि व्हाट्सएप नंबर पे क्या हो रहा है, बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं व्हाट्सएप पे, तो उन सभी का जवाब देना एक बार में या फिर एक दिन में संभव नहीं है। जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं जवाब देते जाता हूँ। तो आप लोग प्लीज़ इंस्टाग्राम पर आइए। इंस्टाग्राम पे क्या होगा कि वहाँ पे अगर आप फॉलो बैक करते हैं, वहाँ से मैसेज करते हो, वहाँ पे कम मतलब वहाँ पे जो इंगेजमेंट है बच्चे कम है वहाँ पे, तो आप इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो कर लेते हैं जो कि आपको आईडी नीचे दिख रहा होगा, ई गुरु ऑफिशियल आप सर्च कीजिएगा तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा आईडी। उस पर फॉलो कीजिए और उस पर मैसेज कीजिए, फिर वहाँ से आपको जो है तुरंत मैं जवाब दे दूंगा। तो बस दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।